सालों पुरानी रंजिश को लेकर चुनाव की सुबह दो पार्टियों में आमने सामने कहा सुनी में हुआ एक का मर्डर। आलमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रुरई में 7 साल पुरानी चुनावी रंजिश के चलते युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इस चुनाव को अलग देख रही है। मौके की जानकारी मिलते ही आलमपुर थाना प्रभारी और लाहार SDOP अवनीश बंसल पुलिस प्रशासन अमला मौका वारदात पर पहुंचा। आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने शव को PM के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। घटना रुरई गांव के आलमपुर थाना क्षेत्र की है। भिंड से हसरत अली की रिपोर्ट। एक्चुअली ये जो हत्या हुई है, ये 7 साल पुराना एक रंजिश है पुरानी गांव की। दोनों चौहान परिवार हैं। इनमें 7 साल पहले 2 मर्डर हुए थे सेवड़ा में, इसी गांव के चौहानों के। उन हत्याओं में ये व्यक्ति जो है जिसका आज मर्डर हुआ, ये आरोपी था और पिछले 1.5 साल से ये जमानत पे था। और अब जहाँ तक बात चुनाव की है, तो ये चुनाव की मामला नहीं है, इनकी आपसी रंजिश है दोनों परिवारों की, और पहले भी मर्डर इसमें हुए हैं। और चुनाव चूँकि वहाँ पे रिजर्व है और सीट रिजर्व है वहाँ पे, और उसका लेना देना चुनाव से कुछ भी नहीं है। इन सबसे मेरी बात भी हो गई है, ना ये चुनाव के चक्कर में बाहर घूम रहा था, ना ये था, न्यूट्रल है। गांव में चुनाव के संबंध में कोई तनाव अभी नहीं है और ना ही हत्या को लेकर तनाव है। दोनों परिवारों की आपसी रंजिश है।